Different kind of mountains, the different kind of vegetation here. Mystical Spiti Valley. These are the mighty mountains here. Incredible, simply incredible. And the roads are here, very dangerous and treacherous at the very same time. स्टार्ट और ये हैं हम अब हंगरंग वैली में। और हमारी पीछे एक गाड़ी आ चुकी है, बाकी बनेंगे पीछे दिखाते हैं। ये पीछे का गाड़ी आ गया है एक। और दोस्तों अभी बताएंगे हम 2 मिनट के लिए हमें रोक दिया गया था क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड का खतरा है यहाँ पे। यहाँ पे रहता है हमेशा, बहुत डेंजरस चीज है ये, थोड़ा ध्यान से आए यार। तो हमारे कॉन्वॉय की 2 गाड़ियां तो अभी निकल चुकी हैं लेफ्ट साइड में, 2 पीछे ही रह चुकी हैं। पीछे और एक पुलिस की ट्रैवलर जो है वो भी पीछे रह गई। अनुज भाई बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि यहाँ से इस पॉइंट से जल्दी निकालना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से हमारी बात हुई है सुबह राजा एडमिनिस्ट्रेशन का फोन आया था गौरव जी को और उन्होंने ये बताया था कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे ये शिटलिंग है, तो शिटलिंग में आपने बिना रुके आगे बढ़ना है, बिना रुके आगे बढ़ना है, जिसके कारण जो है ये आपका खतरा जो है वो कम रहे। लेकिन आप देख सकते हैं ये रास्ता इसीलिए ख़राब है, सड़क यहाँ पे बनी हुई थी लेकिन अभी ख़राब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड अक्सर होते हैं, छोटा मोटा तो चला ही रहता है, बड़े भी हो जाते हैं। साथ में आप देख सकते हैं नीचे स्पीति रिवर, स्पीति रिवर दोस्तों नज़ारे तो अद्भुत है लेकिन एक रिस्क जो हमेशा बना रहता है। ये पत्थर आपको दिखाऊंगा मैं आगे, कोशिश करेंगे ये कैमरा में कैद हो, ये पत्थर ऊपर से ही गिरते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं पत्थर। झूले झूले झूले, हमारे यहाँ पे नमस्ते कहा जाता है। और यहाँ पे जब आप लामाओं की धरती पे आ जाते हैं यानी कि आप स्पीति लाहौल एंड स्पीति में आ जाते हैं तो यहाँ पे नमस्ते तो खैर ये बेचारे बोलते हैं लेकिन ये है कि इनका जो ट्रेडिशनल जो एक नमस्ते करने का है, विश करने का, वो है झूले। तो जब आप इनको चूल्हे बोलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये आपके अच्छे गाइड भी होते हैं, आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे कैसे जाना है आगे। रोड कंडीशंस आप देख सकते हैं, आप फिर से ठीक हो गया क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होता, कम होता है। अदरवाइज पीछे आपने देखा क्या हाल था, जो मेन जगह थी लैंडस्लाइड वाली वो हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि हमारे साथ के 3 बंदे बाहर चले गए थे देखने के।
के लिए, तो मैं अकेला डरा हुआ। ड्राइवर साहब हमारे उतर के या पीछे अमित भाई वाली गाड़ी में आ गए हैं, तो वो डर रहे थे। डीआरओ का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि बिल्कुल इस पहाड़ी के पीछे साथ साथ में चाइना का बॉर्डर चल रहा है। तो अगर ये आर्मी हमारी यहाँ पे ना हो, ITBP ना हो, हमारे कमांडोज जो यहाँ पे कमांडोज हैं वो ना हो, रॉ एजेंट्स ना हो, तो फिर यहाँ का बात तो आपको पता ही है चाइना की करामात कैसी है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम पहुँचने वाले हैं शिचिलिंग। ये देखिए फिर से लैंडस्लाइड वाला एरिया आ गया, और फिर से जो है गाड़ी तेज चलानी पड़ रही है। उतनी भी तेज नहीं, मतलब जब हमारी मेन स्पीड है उससे तेज चल रहे हैं हम लोग, मिनिमम स्पीड से थोड़ा ऊपर। ये देखिए ये साथ साथ में साफ करते हैं, झूले झूले देखो दोस्तों, ये हाल है, ये बहता हुआ पानी जमा हुआ है, ये देखिए सांस में कमी है यहाँ पे ऑक्सीजन की। ये स्पीति रिवर नीचे बिल्कुल साफ सुथरा पानी, और ये हमारा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है इधर, अभी वेट कर रहे हैं पीछे से हमारे आने वालों का। वही है, लैंड स्लाइड का खतरा है। बाकी आप सीन देख सकते हैं, विश्वविद्यालय है जी ये।